मॉर्निंग दोस्तों, आज भारत माला ट्रिप का 9वां दिन और हम हैं अभी दीव में। दीव से निकलेंगे आज अहमदाबाद के लिए और रास्ते में जो भी चीज़ें आएंगी इस दौरान देखने वाले उन सबको कवर करते हुए हम जाएंगे अहमदाबाद और फिर वहाँ पे आज स्टे करना है अहमदाबाद में। मैं कल निकलूँगा आगे के लिए, या तो वडोदरा या सूरत, वो डिसाइड करूँगा मैं रात को कि कल कहाँ पर जाना है। फिलहाल सुबह के 9:30 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं। अहमदाबाद काफ़ी दूर है, यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर और 8 घंटे लगने वाले हैं। बीच में अभी गाड़ी को हमने आराम दिया है, काफ़ी देर से चल रही थी बेचारी, 150 किलोमीटर के आसपास हमने चला दिया है। अभी भी यहाँ से 240 किलोमीटर के आसपास है अहमदाबाद। 7 बजे का टाइम दिखा रहा है, लेकिन बीच में लंच ब्रेक भी देंगे, थोड़ा सा और चाय वगैरह पियेंगे। मेरे ख्याल से वही 8 बजे के आसपास तक हम पहुँचेंगे। ये गन्ने तो बाहर से आते हैं ना, साउथ वाले गन्ने हैं? नहीं, महाराष्ट्र वाले गन्ने हैं। अच्छा, नारियल तो यही के। कितने का है ये गन्ना? 40 रुपये का। मीठा होता है? ऐसे वाले गन्ने एक बार हमने खाए थे, क्या थोड़ा अभी दिख गए वहाँ पर, यहाँ से भी लगता नारियल का। जिला कौन सा ये? भावनगर में आ गए। अच्छा, भावनगर में आ गए। मलाई वाला में पानी कम रहता है, बिल्कुल फ्रेश नारियल है, अभी कच्चा है ये बहुत, मतलब हरा हरा ग्रीन है। ये तो अभी का टूटा हुआ लग रहा है जो मेरे को दिया आपने, सुबह का है ना ये? हाँ, बिल्कुल ही कच्चा लग रहा है ये। पानी भी इसका बढ़िया है, मीठा पानी है बिल्कुल। आज सुबह ही तोड़ा है इसको पेट पे। ये गन्ने कटवा लिए हमने अंकल जी से, ये 40 रुपये गन्ना दिया और चाहिए तो 100 को 3 दूँ। और ये महाराष्ट्र वाला है। नारियल पानी पीने के बाद और गन्ने भी लेने के बाद हमने दोबारा से शुरू कर दिए आज की यात्रा। थोड़ा लंबा है आज, लगभग 380 किलोमीटर के आसपास हमें ड्राइव करने दीव से लेके अहमदाबाद तक। अभी भी 264 किलोमीटर है। लंच करने की जगह मिल गई हमें, ये है होटल खोदियार। ये हाईवे पे ही है, अभी अहमदाबाद जाने वाले हाईवे पे। यहाँ से अभी भी 165 किलोमीटर के आसपास है अहमदाबाद, 3.5 घंटे। आठ बज चुके हैं रात के और जस्ट अभी पहुँचे हम अहमदाबाद। गाड़ी खड़ी करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ के रिवर फ्रंट पे, जो साबरमती रिवर फ्रंट है। यहाँ पे एक अटल ब्रिज बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया, और कई सारी कल्चरल एक्टिविटी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं यहाँ पे रिवर फ्रंट पे। और 80 रुपये की टिकट है इसकी जो ले ली हमने, और रात के 11 बजे तक ये ओपन रहता है। इस साइड में भी चल रही है कई सारी कल्चरल एक्टिविटीज़। इधर से एंट्री है, अंदर चलते हैं और पहले फ्लावर शो देखते हैं, फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह संगीत वगैरह के कार्यक्रम हो रहे हैं उनको भी देखते हैं।
क्या होता है लगा यार पर ये ये जामुन शॉट चीयर्स ये लो अब बोर्ड वीडियो बनना है आप वीडियो बनाओ अब सब ये मजा धीरे धीरे पीने में चलो कम ऑन जैसे कि टेकिला शॉट लेना है बॉटम अप एक बार में यही बता रहे थे आप ऑस्ट्रेलियन हो जामुन शॉट के लिए स्पेशल यस 70-80,000 रुपए की टिकट लेके 70-80 1.5 लाख की हुई है अभी बिजनेस में आए हो क्या या कैसा लगा आपको ये पी के बिल्कुल बहुत बढ़िया और जामुन शॉट पीजिए और काइट फेस्टिवल एंजॉय कीजिए आपने स्पॉन्सर किया है सभी को ये जामुन शॉट यस क्योंकि आप सारे मेरे कजिन्स हैं अच्छा जामुन शॉट रात के 12 बज रहे हैं अभी और ये मानिक चौक है अहमदाबाद में जहाँ पे रात को मार्केट लगती है नाइट मार्केट लगती है खाने पीने की शाम को 8 बजे शुरू होती है और 2 बजे तक ये मार्केट यहाँ पे लगती है सबसे फेमस यहाँ पे ये जामुन शॉट करके है जहाँ पे जामुन का जो पल्प होता है उसके शॉट्स बनाते हैं छोटे छोटे और वो बिकते हैं इस तरह की बहुत सारी शॉट्स है यहाँ पे जामुन शॉट्स की बॉटम्स ऑफ फेमस जामुन शॉट इन भाई का भी फेमस है ये बॉटम्स ऑफ गांधी जी जामुन शॉट फेमस मानिक चौक देखने के बाद अब हम जा रहे हैं होटल 12 बज गए हैं रात के और ये साबरमती रिवर के ऊपर का जो ब्रिज है वो वाला ब्रिज है